वेलकम टू साइबर अवेयर हब। हमारे नाम पर कितने मोबाइल सिम इशू हैं इसका पता करने के लिए हमें पहले गूगल पर जाना है, संचार साथी टाइप करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट sancharsathi.gov.in को ओपन करना है। यहाँ टेफकॉप की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की वेबसाइट है। इस पे हमें हमारी डिटेल फिल करनी है, मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करना है। फिर एक OTP आएगा जो फिल करना है। ये संचार साथी टेफकॉम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ हमें शो हो जाएगा कि हमारे नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। यदि कोई नंबर हमने नहीं लिया हुआ है तो उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हम संचार साथी की एक दूसरी वेबसाइट CEIR को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम हमारे लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल को ब्लॉक करवा सकते हैं और ट्रैकिंग के लिए भी सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए ब्लॉक एंड स्टोलन मोबाइल पर हमें क्लिक करना है। CEIR की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल। जो मोबाइल नंबर लॉस्ट हुआ है उसकी रिक्वेस्ट हमें फिल करने के लिए उसका मोबाइल नंबर डालना है। यदि वो ड्यूल सिम है तो दोनों नंबर हमें यहाँ मेंशन करने हैं और IMEI नंबर डालना है। उसके बाद हमें उस डिवाइस की ब्रांड को सेलेक्ट करना है, नोकिया, एप्पल या जो भी है। उसके बाद हमें डिवाइस का मॉडल डालना है। यहाँ पे हमें हमारी जो परचेज इनवॉइस है वो भी सबमिट करनी है। उसके बाद हमें आगे की डिटेल फिल करनी है कि जैसे मोबाइल फ़ोन कहाँ लॉस्ट हुआ था। यहाँ हमें पुलिस कंप्लेंट नंबर भी सबमिट करना है और कंप्लेंट अपलोड भी करनी है। उसके बाद हमें हमारी डिटेल फिल करनी है जो मोबाइल का ओनर है, और फिर एक मोबाइल नंबर डालना है जो ट्रैकिंग के लिए यूज़ आएगा। उसे हमें वेरीफाई करना है OTP के थ्रू और हमारी रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। इससे हम हमारा जो स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल है उसकी ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। रिक्वेस्ट का स्टेटस पता करने के लिए हम यहाँ जा सकते हैं, चेक लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल रिक्वेस्ट स्टेटस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।